बसमिलकूम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो जी पिछली क्लास में आप लोगों से पूछा गया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में क्या मुकर किया है तो इसके बारे में चार ऑप्शंस थे बादशाह हाकिम नायब या मनसब इसका जवाब है अल्लाह ते इंसान को ज़मीन पर, पर अपना नायब बना कर भेजा है ठीक है तो आज जो हम अल्लाह ताला का नाम लिखने लगे हैं वो है अलीम तो अलीम स्टार्ट करते हैं बिसमान है यहाँ पर अलिफ़ जो है हमारा बिल्कुल ग्यारह बॉक्सेस के ऊपर आएगा यहाँ से कनेक्ट कर देंगे हम उसके बाद अल्फ़ के बाद हमने लिखना है लाम ठीक है तो हम फिफ्थ बॉक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर हमने बाकी काम करना है एक स्ट्रेट लाइन लगा दी एलेवन्थ बॉक्स तक और यहाँ से थर्ड लाइन और यहाँ से फिफ्थ लाइन ठीक है और जो अगली लाइन है हमारी वो हम नीचे से एक लाइन ऊपर तक रखेंगे क्योंकि हमने निचली लाइन को तो निचली लाइन के साथ कनेक्ट करना है हरूफ को ठीक है ये लाम हमारा लिखा गया अब हमने हरफ़ आइन लिखना है जो कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाएगा डिफरेंट किस तरीके से हमारा एरिया ऊपर की जाने काफ़ी सारा बच जाएगा हरफ़ लिखते हुए तो हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ से टू बॉक्सेस, वन टू बॉक्सेस लिए यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर ले लिया ठीक है अब यहाँ पर हमने हरफ़ आइन बनाना है ठीक है आइन हमारा चौड़ाई में तो तीन बॉक्सेस रहेगा और लंबाई में हमारा रहेगा फिफ्थ बॉक्स तक जाएगा ठीक है जहाँ तक ये हमारा जा रहा है ना, यहाँ तक हमारा जाएगा यानी ये लाइन अगर मैं ऊपर पे उठाऊँ तो ये लाइन मैं इस साइड तक लेकर जाऊँगी और ये वाली लाइन भी मैं इसी लाइन की सीध में ऊपर लेकर जाऊँगी ठीक है यानी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बाई थ्री बॉक्सेस पर हमारा हरफ आइन बनेगा यहाँ पर हमने फाइव बाई थ्री पे हरफ़ आइन बना लिया उसके बाद हमने क्या करना है लाम बनाना है ठीक है ये तो आइन का शेप कंप्लीट की यहाँ पर एक बॉक्स एक्स्ट्रा लगाया जो कि अगले हरफ को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो बनेगा हमारा आ, लाम वो हमारा आएगा वन टू थ्री बॉक्सेस पे ठीक है थ्री बॉक्सेस पे लाम आ जाएगा और यहाँ पर हमने हरफ एडजस्ट करना है हरफ़ या को तो या हम लेके कर जाएँ या के नुक्ते पहले लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए उसकी शेप बनाना आसान रहे ठीक है एक नुक्ता हमने इधर लगा दिया और दूसरा एक डिस्टेंस के साथ हमने एक नुक्ता मज़ीद लगा दिया अलीम अल या है ये हमारा ठीक है तो इस नुक्ते से एक बॉक्स नीचे यानि फिफ्थ बॉक्स तक हम एक ये वाली लाइन ले आएँगे और इसके साथ हम एक बॉक्स नीचे तक ठीक है कनेक्ट क्योंकि करना है एक एक बॉक्स नीचे तक एक और लाइन लेकर आएंगे अच्छा इसको हम एक बॉक्स ऊपर और लेकर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जो है ना लाइन वो थोड़ी बच बच जाएगी यहाँ से टू बॉक्सेस बच जाएंगे तो मैं यहाँ पर इसको मज़ीद एडजस्ट करने के लिए एक बॉक्स और ऊपर उठा लिया ठीक है अब यहाँ से मैं इस वाली लाइन को ऊपर लेकर जाऊँगी और नुक़तों के साथ साथ ही मैं अपनी लाइंस लेकर जा रही हूँ ठीक है जहाँ पर लाइन फोल्ड करनी होती है वहाँ पे मैं एक एक बॉक्स पीछे करके लाइन को फोल्ड कर देती हूँ ठीक है यहाँ पर अब अगला हरफ मैंने मीम जो मीम लगाना है अलिफ लाम आइन लाम या और आगे मीम लिखना है तो मीम लिखने के लिए एर्स बॉक्स पर मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना दिया है और इसके बाद मैं क्या करूँगी इसके बाद मैं हरफ़ मीम बना दूँगी ठीक है यहाँ पर मैं थ्री बाय थ्री पे मीम बनाऊँगी वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ से आगे कनेक्ट करेंगे इसे क्योंकि हमारा जो है ये थोड़ा सा एरिया और बच रहा है हमने अलेवन बाई एलेवन पर हर जगह से बनानी है कंपोजिशन इसलिए हम बहुत ही एहतियात के साथ सारी जगहों को फिल करेंगे ठीक है हमारा ये मेम भी बन गया और इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से भी बना सकते हैं और एक और भी है हमारे पास आइडिया यानी यूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा वाओ की शेप अगर दे रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से ऊपर की जाने ठीक है अगर हमने उस तरफ पर मीम बनाया ना हम इस तरफ पे भी मीम बना सकते हैं ये जिस तरफ से आपको एडजस्टमेंट में लगे कि आप इस तरीके से बनाना चाह रहे हो इस तरीके से बना लो दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो दूसरे तरीके से बना सकते हो अच्छा आज का जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि सुरज बकरा में किन लोगों को बहरे गूंगे और अंधे कहा गया है आपके पास ऑप्शन हैं वो ये हैं मुशरकिन को यहूदियों को ईसाइयों को या मुनाफिकीन को ठीक है यह आपका आज का क्वेश्चन है इसका आंसर इंशाल्लाह तला मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी अभी हम एरिया को फ़िल करते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि हरफ की एक्चुअल शेप क्या है अल्लाह ताला के नाम अल अलीम की